वेलकम टू पूरी दुनिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना दाल के खमन बहुत ही फेमस है, तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ और ट्राई। यहाँ पे ना खमन में बहुत सारी वैरायटीज हमको मिलेगी, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैरायटीज है। ये सिंपल वाले खमन है, रेगुलर जो आते हैं वो। ये काली मिर्च खमन है फ्रेंड्स, ये है रेगुलर खमन, सादा सिंपल जो खमन आते हैं वो है प्लेन खमन। फ्रेंड्स, ये टोस्ट खमन है जिसे डीप फ्राई किया जाता है, और ये है दही टमटम खमन। आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। ये है सिंपल टमटम खमन है, ये भी मतलब बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और ये जो यहाँ की स्पेशलिटी है दही खमन वो है। ये हमने जो खाए वो सिंपल टमटम वाले, ये दही वाले।
ठंडा हो गया। फ्रेंड्स, दास खमन के जो ऑनर है उनसे अभी हम बात करने वाले हैं, उनसे भी जानते हैं कि और क्या मतलब हमारे लिए जानने के लिए है, तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं। मेरा नाम कुणाल ठक्कर है और दास खमन की फोर्थ जनरेशन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दास खमन की शुरुआत पितामह दास कांजीबी ठक्कर ने 1922 में की, आज करीबन 100 साल में बस पूरे होने को है। और पहले पितामह दास जी सूरत में खमन की शॉप पर यहाँ पर जॉब करते थे। जैसे जैसे उनको खमन बनाने की आर्ट है फैमिली बड़ा था, उनको जॉब कर छोड़ के उनको बिजनेस में आना था। अगर सूरत में अगर वो खमन की शॉप करते तो उन्हें गुरु के पास उन्होंने खमन बनाना सीखा है, उनके सामने वो कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहते, तो उन्होंने सूरत से सिटी बदल के अहमदाबाद में उन्होंने खमन की शुरुआत अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धारा में वहाँ पीछे घर ट्रेन पे लेके वहाँ घर से ही पहले खमन बनाते थे। और जो ऊंचा होता है थिएटर के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर या फिर स्कूल के बाहर ऐसा चेला लगाते थे पहले, धीरे 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 करके पिछले 1950 के अराउंड में पहली शॉप वहाँ पर घर के आगे ही जो अभी अहमदाबाद कॉरपोरेशन सेंट्रल ऑफिस को उसके सामने की। एंड धीरे धीरे उसके बाद मेरे दादाजी जो मोहन भाई सर है वो भी इस फील्ड में उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने नई वराइटीज खमन के अंदर, पहले एक ही टाइप का खमन था जो प्लेन खमन जो सादा खमन बाती दार का होता है, उसके बाद उन्होंने मरी वाला खमन दही वाला खमन उसमें इनोवेशन किया। और धीरे धीरे मेरे अंकल मेरे फादर वो फोर ब्रदर्स हैं वो लोग आए, वो लोग के आके उन्होंने भी बहुत सारी वैरायटीज उन्होंने एड ऑन की, जैसे खानवी पचान की जितनी भी गुजराती पचान की जितनी भी वैरायटीज उन्होंने लॉन्च की। देन 1988 में हमने हमारा एक जो अहमदाबाद का जो सिटी एरिया है उसके बाहर जो वेस्ट एरिया है वहाँ के एरिया क्रॉस है नवरंगपुरा वहाँ पर उन्होंने शॉप स्टार्ट किया। तो जैसे 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 करते गए ऐसे एज अ फोर्थ जनरेशन हम ब्रदर्स हैं, उन सबका साथ में आए और जिस तरह से दादाजी की तरफ से जो भी ट्रेडिशन आती थी जो भी था वो हम लोगों ने लैंग्वेज में मेंटेन करने का ट्राई किया है। उस रेसिपी में जो प्रोसेस जो भी थी वो ट्रेडिशनली जो भी है चलते रहे आज तक हम वही चला रहे हैं। तो और जिसे जैसे हमारे कस्टमर का जो भी जनरेशन ऐड ऑन होने लगी उनका टेस्ट चेंज आने लगा तो उसमें भी हम वैरायटी कुछ ना कुछ ऐड करते गए। जैसे अभी यंग जनरेशन है तो यंग जनरेशन को फ्यूजन फूड का ज़्यादा रहता है तो इसमें भी हमने कुछ इटालियन फ्लेवर्स ऐड किए, मैक्सिकन फ्लेवर ऐड किए। तो अभी और जैसे वो अभी हम आउटलेट पे नहीं लेकिन स्पेशल जो वेडिंग सीजन होती है तो रिसेप्शन जो वहाँ पर जो मैरिज में वो सब वहाँ पर हम सब करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।